सपने में कल रात को तो इन्होंने सपने में चिल्लाने लग गई, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। मैं हैप्पी जादू का रिएक्शन लेना चाह रही हूँ, आप कैसा फील कर रहे हो हैप्पी जादू? क्योंकि ये ब्लॉग को ऑब्वियसली रिमझिम भी देखेगी, इसलिए हम बहुत उदास और अभी उन लोगों को आधा घंटा लगेगा पहुंचने में, तो जब तक एंजॉय कीजिए टनल का। टनल का आपके पीछे से चालू कर देंगे हम। ओके बाय दोस्तों, रात के बज रहे हैं 10:30 और हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। एयरपोर्ट हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमारी साली साहिबा जा रही है स्पेन, और वो अभी पहुंचे थे पानीपत, सोनीपत। तो सोनीपत से हार्डली 1-1.5 घंटा लगेगा उन्हें, और हम फरीदाबाद से निकलेंगे तो हमें भी 1 घंटा तो अप्रॉक्स लग जाएगा। तो हम निकल रहे हैं और मिलते हैं रास्ते में और एयरपोर्ट पे। तो हम निकल चुके हैं, और अभी हम भड़कल पहुंचने वाले हैं। पहले हम सोच रहे थे गुड़गांव से जाएं, बट ये है कि सीएनजी नहीं है गुड़गांव के रास्ते पर। रात को सीएनजी पंप खुले होंगे कि नहीं ये भी कोई कंफर्म नहीं है, तो दिल्ली से होके हम जाएंगे। बदरपुर बॉर्डर के क्रॉस करने के बाद हम सीएनजी डलवाएंगे, और सीएनजी हमारी बहुत ज़्यादा ख़त्म है। और मैडम जो है अभी गाने चला रही थी, प्यारी बहना मेरी, और इमोशनल सॉन्ग सुन रही है, तो चलो ठीक है फिर मिलते हैं, धीरे धीरे बताते हैं क्या क्या। तो सीएनजी की लाइन में लगे हुए हैं, काफ़ी देर हो गई है, अप्रोक्स 15-20 मिनट तो हो गए होंगे, 20 मिनट हो गए है ना, 20 मिनट हो गए हैं। सीएनजी नहीं है, देखिए लुप लुप कर रही है ना पेट्रोल पे, ज़्यादा पचर पचर कर रही है ये। हर ब्लॉग में ये सीएनजी भरवाते फिरते हैं, पहले पता होता ना कहीं जा रहे हैं तो भरवा के रखें, 2-2 घंटे ऐसे फिर लाइन में हमें खड़ा होना पड़ता है, ऐसे ही खड़ा होना पड़ता है। ये दूसरों को सीएनजी भरवाते देख के यूं कह रहे हैं अरे कितनी भरवा रहा है ये, आप भी इतनी भरवा। 11-12 किलो पता नहीं कितना डल गया उसके अंदर। अब हम पता नहीं कब निकलेंगे यहाँ से, मुझे तो ऐसा लग रहा है वो लोग पहुंच भी गए होंगे और हम अभी तक सीएनजी भरवा रहे हैं। आधे घंटे का रास्ता अभी भी हमारा रहता है और टाइम हो रहा है 11:30 बज रहे। तो अब हम सीएनजी भरवा के निकल चुके हैं, हमें यहाँ पे कम से कम 1/2 घंटा लग गया और अभी भी हमारा ये हमारा गूगल मैप बकवास कर रहा है, पता नहीं अब कितना टाइम लगेगा हमें पहुंचने में। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर, और वो हमारा स्वागत कर रहा है। ओ वाओ टनल, खूबसूरत टनल के बीच में से हम जाएंगे, और अभी उन लोगों को 1/2 घंटा लगेगा पहुंचने में, जब तक एंजॉय कीजिए टनल का। टनल का आपके पीछे से चालू कर देंगे हम। ओके बाय। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल 3 और अब करेंगे वेट। यहां पर एंट्रियां होती हैं, हम गाड़ी में बैठ के वेट करेंगे क्योंकि उन्हें अभी 20-30 मिनट्स लगेंगे आने में, पर करेंगे हम इंतजार रिमझिम का। तो हम लोग एयरपोर्ट पे हैं और हम लोगों का वेट कर रहे हैं, क्या बात है, बहुत खुशी की बात। तो हम लोग अभी उनका वेट कर रहे हैं एंड उनका कॉल आया था कि वो पहुंचने वाले हैं तो और आई एम वेरी एक्साइटेड। अब तो ये एक्साइटेड है बहुत ज्यादा अपनी बहन से मिलने के लिए, और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। मैं तो सबसे मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। हाँ ये तो सपने में कल रात को तो इन्होंने सपने में चिल्लाने लग गई, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। तो आप देख सकते हैं एक एक करके गाड़ियाँ आती जा रही हैं, और ये हर गाड़ी पे यूं कह रहे आ गए क्या, ये इन्हीं की गाड़ी है क्या। अब हम देखते हैं कौन सी गाड़ी उनकी है। आ जाओ अब,
यहाँ से हम भी गोवा के लिए यहीं से गए थे, टर्मिनल से गए थे हम गेट नंबर 2 से गए थे। गए थे जैसे यहाँ 4 लिख रहे हैं ना, हम 2 से गए थे आगे। वो तो ये लोग आ गए हैं और हमें दिख गए हैं, सब लोग आ गए हैं। ये यहाँ पे अपनी शक्ल संभाल रही है, मैंने मेकअप भी नहीं किया हुआ। इसी की फ्लाइट है, यही है जो जा रही है। बस ऐसी शर्म आती रही है। उसको बोलते थे विंडो से हाथ बाहर नहीं निकालना। एक से बढ़कर एक नमूना है मेरी जिंदगी। बाकियों को तो घर जाके दे देंगे, बैग है छोटा सा, निकाल के देख ले। संदीप चॉकलेट केक ये अभी तैयार हो रही थी कैमरा देख के, इसने अपना मेकअप का सामान रख दिया। ये देखो मेकअप किट निकाल के, शीशा वीशा निकाल के फुल तैयार हो रही थी ये। फिर तो हमें मिस करेगी, फिर रो क्यों रही थी झूठी। इसने मुझे बर्थडे पे फोन नहीं करा, इस लड़की ने। हाँ यही बिजी है नरेंद्र मोदी जी के बाद। तो फाइनली रिमझिम जा रही है, बाय। इधर से चाचू ध्यान से जाइयो, चल ठीक है ध्यान से जाइयो, ध्यान रखियो। चलो के जय गाड़ी में मास्क है, मास्क है।
ऊंचा बोलो। हेलो दोस्तों, फाइनली हमने रिमझिम को अब ड्रॉप कर दिया है और उसकी फ्लाइट जा चुकी है और चाचा चाची हमारे साथ में है। तू कहाँ है ओए? तो हम घूम रहे हैं, हम जा रहे हैं इंडिया गेट और इंडिया गेट पे हम करेंगे क्या करेंगे हरी? हम वहाँ पे मस्ती करेंगे। क्या बात है, हम मस्ती करेंगे वहाँ पर, हम करेंगे पेट पूजा। हाँ ये देखो भूखे भूखे भूखा इंसान बोला। तो यहाँ पे दो बर्ड्स हैं, यहाँ पे उतर जाना है, आगे तो आपने मेरे साथ ही जाना है। देखिए मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ, ड्राइविंग करते टाइम नहीं कैमरा वगैरह देखते फोन देखते, तो मैं ऐसे दे रहा हूँ ले पकड़। तो रिमझिम अब जा चुकी है, फ्लाइट में बैठ चुकी है। और अच्छा हुआ ये कि उसको मिल गई है बिजनेस क्लास की टिकट, उसकी टिकट अपग्रेड हो गई इकोनॉमी से बिजनेस क्लास में। कल नहीं आ रही होगी पर आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस बात से। आप लोग कैसे फील कर रहे हैं अब रिमझिम चली गई है? तो आगे वीडियो शूट नहीं हो पाई थी बिकॉज की मेमोरी फुल हो गई थी और हम 5:30 बजे आए फरीदाबाद और मुझे 7:30 बजे स्कूल जाना है, तो हम सोने लगे हैं थोड़ा, 1-2 घंटे सो जाए तो सही रहेगा। और चाचा चाची हमारे साथ थे, हम इंडिया गेट गए, देन फिर हम 24/7 गए और फिर उसके बाद आश्रम से हमारे रास्ते अलग अलग हो गए। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑल द बेस्ट रिमझिम, खुश रहो, तरक्की करें और अपना ध्यान रखियो। और जितने लोग हैं हमारी वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब प्रे करना उसके लिए कि वो वहाँ पे खुश रहे। जी अब हम इस हालत में नहीं है कि बात कर सके, सारा दिन से जाग रहे हैं और अभी 1-2 घंटे बाद मेरे को जाना है। तो गुड नाइट, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें यार, है ना। तो बाय, गुड नाइट।